अभी मैंने जो सभी अपना लंच किया है और 5 बजने के करीब है। अभी अभय का फ़ोन आया था कि वो आ गया और उसे मैच खेलना है, उसे मैच मुझसे मैच हारना है। तो अभय भाई की कॉल है, चलते हैं, लेट्स सी। एंड आगे का ब्लॉग वही स्टेडियम में बनाएंगे। मेरे गेम शूज़ हैं, मतलब मुझे इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। ये भी थोड़े से बारिश, लास्ट बारिश में भीग गए थे, तो अब इसकी जगह दूसरे पहनूंगा। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल फील कराए मुझे। तो इसको यहाँ रख देते हैं सूखने के लिए, भाई जल्दी से सूख जाइयो। और आज कोई नया शूज़ पहनते हैं। और ये मेरा थोड़ा अच्छा था की। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं वो ड्रेसअप हो चुका हूँ और अब चला लॉन्ग में। कितने रुपए हैं? ठीक है, हाँ अभी 50 रुपये लेके खेलने जाते हैं। चलें, इससे नहीं, ये हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के नहीं। हम चलेंगे, गेट तो खुल गया भाई। ये रहा मेरा हेलमेट, इससे भी नहीं, अपनी पुरानी बाइक बाहर खड़ी होगी, इससे हम चलेंगे, इससे चल गया। चाचा जूता, तो फ्रेंड मेरा जूता फट गया था, तो मैं जूता अपना हल्का सा निकल गया था टेप, तो उसको सिलवा रहा हूँ आईटी के पास। वीडियो बना क्या सामने आप? कौन वीडियो बना रहा? कौन वीडियो बना रहा भाई? जय हिंद जय हिंद। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, और हमारे साथ पीएससी के सेटर मुझे बुला रहे हैं, निखिल भाई। अच्छा, जल्दी वार्म अप करने के लिए बोल रहे हैं। ये हैं भाई काकू, उभरते हुए खिलाड़ी। हेलो काकू। ये गुड। और भाई ये उभरता हुआ, अरे माँ का क्या हाल है। हेलो भैया। हेलो हेलो। और ये हमारे बीच अभय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय। सो फ्रेंड्स, अभी आज सिर्फ खेलने के लिए खेलेंगे, किसी को हराने का कोई मोटिव नहीं है। और ये हमारे साथ पहाड़ से खेलने आए हैं सौरभ मैगी, पहाड़ जैसा लोड भी मारते हैं। और अभय भाई बिल्कुल अभी बनारस से लैंड किए हैं और पानी वानी पी रहे हैं, थक गए हैं। थैंक यू ब्रो। अभी उसके बाद मनोज भाई आएंगे, पहाड़ी खिलाड़ी लेकर आए हैं। पहाड़ी खिलाड़ी कहाँ है? पहाड़ी खिलाड़ी, वाह। ये मैच में देखेंगे कि खेला कैसा तुमने। अभी हम आए हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए आफ्टर वॉलीबॉल मैच। सो रेडी फॉर स्विमिंग एंड मेरी कंप्लीट हो चुकी। मैंने 15 से 20 मिनट किया आज, और अभी बस घर जाने का टाइम है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, ये स्विमिंग का रास्ता बहुत ही अंधेरों से भरे होके जाता है, थोड़ा सा जंगलों के बीच में स्विमिंग। तो कॉल्विन तल्लुकदार कॉलेज है, उसके में है ये स्विमिंग पूल हमारा। सो आज काफ़ी टाइम बाद रिलैक्स लग रहा है पानी के अंदर स्विमिंग करने के बाद। बहुत ही, शायद मैं पूरी तरीके से विजिबल ना हूँ, बट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये अंदर है और हिडन है थोड़ा सा, बट मज़ा आया बहुत दिनों बाद स्विमिंग करने के बाद। अप्रॉक्स एक महीने से मैंने स्विमिंग नहीं करी थी, कोल्ड नहीं ठीक हो रहा था। अभी फ़िलहाल ओके है और 15 से 20 मिनट किया मैंने, 4 लैप्स लिए और सब ओके।